हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल सीएस मास्टर। मैं हूं संदीप। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। साथ ही साथ मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी तरह के किसी टॉपिक पे अगर आपको हेल्प की आवश्यकता है तो आप कमेंट करें, और अगर वीडियोज पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हेलो एंड वेलकम अगेन इन दिस ट्यूटोरियल बूलियन अलजेब्रा। टॉपिक इज बूलियन अलजेब्रा और ये पार्ट टू है बूलियन अलजेब्रा का। पार्ट वन में हम लोगों ने जीरो और वन के डिफरेंट एक्सप्रेशंस के बारे में समझा, डिफरेंट मैनिपुलेशन के बारे में समझा, और उसमें ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग बूलियन ऑपरेटर्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस की, जिसमें एंड और नॉट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको पूरा पहले देख लें, तभी आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। और इस पार्ट में आपको मैं बता दूं पहले कि क्या क्या बताना है हमको। इस पार्ट में हमको बताना है कि कैसे जो है आप एक्सप्रेशंस का ट्रुथ टेबल बनाएंगे। आप जैसे हमने ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, तो इसको आप ट्रुथ टेबल में इसका आउटपुट क्या होगा, अगर इस तरह का इनपुट होगा तो आउटपुट क्या होगा, उसका आप ट्रुथ टेबल के हेल्प से आप देखेंगे कि क्या आउटपुट आएगा। और यहाँ पे ये भी जानेंगे कि अगर बड़े एक्सप्रेशंस हैं तो उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले वाले एग्जाम्पल से। ठीक है, तो पहले वाले एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक टेबल तैयार कर लेना है। ठीक है, टेबल तैयार करिए पहले। यहाँ पे एक टेबल हम लोग तैयार किया, इस तरीके से टेबल तैयार करिए। ठीक, और आपको ये देखना है कि कितने इनपुट्स हैं। तो इस एक्सप्रेशन में दो इनपुट है ए और बी, तो सबसे पहले ए और बी को लिख लेते हैं हम लोग, ए और बी। और आपको मालूम है कि अगर दो वेरिएबल हैं तो उसके कम्बिनेशन कितने होंगे, चार होंगे, और वो चार कम्बिनेशन क्या होंगे वो भी आपको मालूम है। हमने आपको लास्ट वीडियो में, मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे कम्बिनेशन तैयार करते हैं, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो 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 वन। देखिए समझने की बात है, यहाँ पे बी के दो ही इनपुट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके दो इनपुट्स के साथ इसके पहले इनपुट यानी जीरो के साथ जीरो 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 वन हो गया। अब इसका वन, ए का क्या बचा, वन बचा, तो वन के साथ फिर इसका जीरो और वन के साथ इसका वन, इस तरह से कम्बिनेशन तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमको ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का क्या निकालना, एंड निकालना। अगर इस तरह से कुछ अगर दिया ना रहे तो समझ लीजिए कि वो क्या है, एंड है। तो सबसे पहले आपको ए कम्प्लीमेंट निकालना है, क्योंकि ए कम्प्लीमेंट नहीं निकालेंगे तो आप कैसे उसका आउटपुट निकालेंगे आखिर। तो ए कम्प्लीमेंट यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग पहले। और ए कम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था कि कम्प्लीमेंट केस में क्या होता है कि जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो ए वाला ये है जीरो जीरो वन वन, तो जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन वन और जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बी कम्प्लीमेंट भी निकाल लेंगे, क्योंकि दूसरा जो वैल्यू है वो क्या है हमारा, बी कम्प्लीमेंट है। तो B कम्प्लीमेंट देखिए यहाँ पे B ऑलरेडी है और इसका कम्प्लीमेंट निकाले, इसका कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, वन वन का क्या हो जाएगा, जीरो जीरो का क्या हो जाएगा, वन, और वन का क्या हो जाएगा, जीरो, इस तरीके से। अब आपको आपके पास A कम्प्लीमेंट और B कम्प्लीमेंट दोनों आ गया है। अब A कम्प्लीमेंट और B कम्प्लीमेंट का आपको क्या निकालना है, एंड निकालना है। A कम्प्लीमेंट और B कम्प्लीमेंट का एंड निकालना है, तो आप एंड निकाल लीजिए। अब आप एंड निकालने के लिए क्या करना है, हमने आपको बताया था एंड केस में क्या होता है, जब दोनों ही इनपुट वन हो तभी वन होता है, अदरवाइज जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे पहले ही केस मिल गया आपको डबल वन का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन, बाकी के केस में जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक भी वन है तो उससे कोई मतलब है, दोनों वन होना चाहिए, तो दोनों वन नहीं है। यहाँ पे एक जीरो मिल गया, फिर यहाँ पे भी एक जीरो मिल गया इसलिए जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी एक जीरो मिल गया इसलिए जीरो हो जाएगा। तो ये आपका आउटपुट आ गया आपका क्या, ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट का आउटपुट। ये बिल्कुल डिफरेंट आउटपुट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रुथ टेबल हम लोग
जो है बड़े एक्सप्रेशन का भी हम लोग ट्रुथ टेबल निकाल सकते, थोड़ा डिफरेंट हमने दिया, कॉम्प्लीमेंट करके दिया, ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि कैसे ट्रुथ टेबल हम लोग डिज़ाइन करते हैं, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। और ये हमारा आउटपुट वाला हिस्सा हो गया, इसको हम लोग आउटपुट बोलेंगे, यानी कि आपके इनपुट्स अगर ये आएंगे इस तरीके से आएंगे तो ये आपका आउटपुट आएगा। यहाँ पे आप लोगों को ये डिस्कस करना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, किसी दूसरे एक्सप्रेशन को लेते हैं और उसको समझते हैं कि कैसे उसको किया जाएगा। इसको हटा देते हैं हम लोग, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अभी जो है ये दूसरे वाले में क्या है, और का ही किया जा रहा है, ए प्लस बी कम्प्लीमेंट। तो सिंपल सा बात है, फिर से वही काम करेंगे हम लोग, टेबल तैयार करेंगे, ठीक है। टेबल तैयार कर रहे हैं हम लोग, हम और टेबल तैयार करने में आपको क्या करना है, दो इनपुट्स हैं, तो दो इनपुट का पहले आप टेबल तैयार कर लीजिए। ए और बी दो वैल्यू हैं, दोनों वैल्यू का आपको पहले क्या करना है, कम्बिनेशन तैयार कर लेना है। तो आपको मालूम ही है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं हम इसको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1 0 और 1 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम ने तो नॉर्मल है, लेकिन बी कम्प्लीमेंट निकालना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी कम्प्लीमेंट छोटा वाला हिस्सा तैयार करेंगे हम लोग, बी कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। अब आपके पास बड़ा वाला एक्सप्रेशन, पहले हमने क्या निकाला, ये निकाला, अब हमको पूरे को निकालना है। तो क्या पूरा क्या है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखिए यहाँ पे कैसे होता है, ठीक है, अब हमें समझिएगा। अब ए ए वाला वैल्यू ये है 0 0 1 1, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये 1 0 1 0। अब इसको इसको और इसको कॉम्बिनेशन करना है, और करना है, और किस में बता दें, एक भी वन होगा तो आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें इनपुट क्या मिला, 0 और 1, तो आउटपुट क्या आएगा, 1, ठीक है, 1। फिर यहाँ पे 0 मिला और यहाँ पे 0 मिला, आउटपुट क्या आएगा, 0। अगर 0 0 है तो 0 ही आएगा, 1 1 है तब भी 1 आएगा, और 1 0 है तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपको देखिए आउटपुट क्या है, 1 0 1 1, ये आपका आउटपुट आ गया, ये आपका आउटपुट है ए प्लस बी कम्प्लीमेंट के केस में। 2 से 3 एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहे हैं, इससे क्या होगा, आपको करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा, ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग, ठीक है। हम अब इस बार रेक्टेंगल का यूज कर लेते हैं, ताकि स्ट्रेट बने, है ना, बार बार जो है गड़बड़ बनना ठीक नहीं है, हम लोग बना लेते हैं सही सही, ठीक है, इससे लाइन बना लेते हैं, जो हमारे पास फैसिलिटी है, तो फिर क्या दिक्कत है, ये ऐसे हो गया। फिर इसके बाद क्या है, इस बार एक्स वाई दो इनपुट है, तो दो इनपुट इधर कर लेंगे, फिर उसके बाद इसका हम लोग कॉम्बिनेशन तैयार कर लेंगे, ठीक है। अभी परफेक्ट बन रहा है हमारा टेबल, ठीक है, क्योंकि उस बार तो अभी बस हैंड रिटन में कर रहा था, इसलिए सही नहीं बन पा रहा था, अभी सही बन रहा है, आप देखिएगा ध्यान से। आपको क्या करना है, एक्स कम्प्लीमेंट निकालना और वाई कम्प्लीमेंट निकालना है, फिर एक्स वाई कम्प्लीमेंट निकालना, थोड़ा टेबल बड़ा होने वाला है तो थोड़ा जगह ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले एक्स कम्प्लीमेंट, फिर वाई कम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर एक्स वाई कम्प्लीमेंट हो जाएगा, फिर आपका एक और हो जाएगा, आपका क्या है, एक्स कम्प्लीमेंट वाई, और फिर उसके बाद जो ये लास्ट होगा यहाँ पे आपका पूरा निकलेगा, ठीक है। तो इसको अब थोड़ा सा मैं देखता हूँ, बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, और हो जाता है तो ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर करने की कोशिश करता हूँ, और इसको साइज थोड़ा बढ़ाता हूँ, ठीक है, बढ़ाऊंगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ये मैं इसको थोड़ा सा कट करूँगा, क्योंकि इसको बढ़ाना है हमको,
फिर से हटा देता हूँ मैं इसको सारा सारा हटा देता हूँ, फिर से बना देता हूँ मैं इसको। बस ये केवल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ तो हो रहा है, क्योंकि देखिए मैं फिर से बनाता हूँ थोड़ा स्टेबल, कुछ भी हम बड़ा चाहिए इसलिए हम इसको दोबारा कर रहे हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। ये देखिए मैं यहाँ से लाइन लिया और एक टेबल पहले तैयार करता हूँ मैं, एक हो गया आपका ये इनपुट के लिए, फिर उसके बाद एक्स कम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद वाई कम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद देखिए क्या है एक्स वाई, ठीक है। तो ये मैंने बताया ये इनपुट के लिए, ये एक्स कम्प्लीमेंट के लिए, ये वाई कम्प्लीमेंट के लिए, और फिर एक्स वाई कम्प्लीमेंट का निकालेंगे हम लोग। एक्स वाई कम्प्लीमेंट के लिए हो गया ये, और फिर नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है एक्स कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट के लिए हो जाएगा ये। अरे भाई फिर उसके बाद लास्ट जो होगा वो इनपुट आउटपुट के लिए होगा। तो चलिए इसको डिजाइन कर देते हैं हम लोग और यहाँ पे अब लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमारा टेबल तैयार हो गया, अब इस बार ज़्यादा अच्छा टेबल बना है, वो अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। एक्स लिख लेते हैं और एक वाई इनपुट का, फिर इसमें कम्बिनेशन लिख देते हैं 00 01 10 11, ठीक। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं एक्स कम्प्लीमेंट निकालेंगे, एक्स कम्प्लीमेंट निकालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या निकालेंगे वाई कम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या निकालना है फर्स्ट एक्सप्रेशन ये वाला, इसको निकालने के लिए इतना काम किया जा रहा है, तो एक्स और वाई कम्प्लीमेंट, ठीक। और दूसरे वाले में क्या निकालेंगे एक्स कम्प्लीमेंट वाई, एक्स कम्प्लीमेंट वाई पहले लिख लेते हैं हम लोग एक्स कम्प्लीमेंट वाई, और फिर लास्ट जो निकलेगा वो पूरा आउटपुट होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई कम्प्लीमेंट, ठीक, प्लस एक्स कम्प्लीमेंट वाई, ठीक है। ये आउटपुट है, ये आउटपुट आपका है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्स कम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो एक्स क्या है 0 0 1 1 है, तो यहाँ पे 1 1 0 एंड 0, ये हो गया आपका आउटपुट। वाई कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 0 1 0 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 0 1 एंड 0, इसको देख लीजिएगा वाई का ये कम्प्लीमेंट आएगा। एक्स वाई कम्प्लीमेंट, एक्स मतलब इसकी बात की जा रही है और वाई कम्प्लीमेंट का मतलब इसकी बात की जा रही है। तो इन दोनों के इनपुट्स को देखिए और उसका एंड निकालना है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया है तो क्या है ये एंड है, ठीक है, ये एंड है, ठीक है, ये सब एंड है, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा इस बात को। तो एक्स और वाई कम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये एक्स और वाई कम्प्लीमेंट का एंड करेंगे। तो हमने बताया था एंड केस में दोनों वन होगा तभी वन होगा, अदरवाइज जीरो होगा। तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, इसको और इसको देखिए, फिर इसको और इसको देखिए, तो जीरो है ही, जीरो हो जाएगा। इसको वन वन है तो यहाँ पे वन हो जाएगा, और ये वन जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। चलिए एक्स कम्प्लीमेंट वाई की बात करते हैं। एक्स कम्प्लीमेंट आपका ये है और वाई ये है, तो यहाँ पे जब बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है ही, देख लीजिए यहाँ से 0 0 1 0 1 1 1, ठीक। फिर उसके बाद आपका 0 0 0 और 1 0 1, ठीक है, एक्स कम्प्लीमेंट एंड वाई हो गया ये। अब इसका दोनों का और निकालना है, और केस में क्या होता है एक भी वन है तो वन हो जाएगा आउटपुट आपका। तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे भी वन हो जाएगा क्योंकि एक वन है, फिर यहाँ पे भी वन हो जाएगा, आउटपुट क्या है आपका 0 1 1 एंड 1। इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब आपको मैं जो ये दे रहा हूँ ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको करिएगा, ठीक है। आप भी करके कुछ देखिएगा, पहले इसको देख लीजिएगा अच्छे से, वीडियो समझ लीजिएगा और ये वाला आप ट्रुथ टेबल बना लीजिएगा। आपको एक असाइनमेंट भी हमने दे दिया इसमें, ठीक है। चलिए अभी आपको समझ में आ गया होगा, फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने आज क्या डिस्कस किया, प्रीवियस में क्या डिस्कस किया था, ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था, और उस पर बुलियन वैल्यू जो 0 और 1 है उसका कैसे ऑपरेशन होता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि अगर एक्सप्रेशन कोई दिया हुआ है, ठीक है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और उस पर जो है कैसे उसका ट्रुथ टेबल कैसे तैयार किया जाए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया। तो ये लास्ट वाला था, ये इसके लिए हम लोगों ने इसके डिस्कस किया, और ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया, ठीक है। तो होमवर्क आप करिएगा इसको।
चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच।